हमारे किसान साथी बिजली मिलत नहीं है, बहुत सारा उद्योगपति मन तक रोवत है, आधा ज्यादा प्लांट बंद है, तो बिजली जात कहाँ है? सिर्फ कागज में लेन देन चलत और पैसा जेब के अंदर हो, तेला समझे के जरूरत है, जाने के जरूरत है। आज पानी हमारे नदी के पानी में पहली अधिकार छत्तीसगढ़ के जनता के, छत्तीसगढ़ के किसान के है। हमारे नेता जोगी जी के थे पानी में पहली अधिकार, जिन प्यासा रही थे व्यक्ति ओकर पिए पर पहली अधिकार होते। दूसरा अधिकार किसान मन के खेत में पलाय पर होते। बाद में तीसरा अधिकार उद्योगपति और मन पर होते। लेकिन पहली अधिकार पिए पर तक पानी नहीं मिला थे। आजकल बोतल बंद पानी चला थे, तुमने देखा था पाउच में भर के पानी बिका थे, लाखों करोड़ रुपए का अवैध वसा हो रहा थे। लेकिन हमारे किसान साथी मल्ला पानी नहीं उपलब्ध होते। नदी में जेकर पहली बताई सेंचुरी सीमेंट बड़े बड़े प्लांट बने हैं, तेमा स्टाफ डैम बना बना के पानी ल रोक के जाते हैं, पानी वो मल्ला दे जाते। अब आप ला मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख नदी महानदी है ओखलो लड़ाई ला छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अजीत जोगी जी और भाई अमित जोगी जी के नेतृत्व में दमदारी से लड़ा थे। आप ला मालूम होना चाहिए कि महानदी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ से ही निकल के छत्तीसगढ़ के 75% हिस्सा ले गुजरत हुए उड़ीसा जाते। लेकिन उड़ीसा में यही कांग्रेस पार्टी के नेता मन और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता मन बीजू जनता दल सिंह सरकार है उड़ीसा में, ओला समर्थन देवत है आज हमर पानी। लेकिन ओला हमला उपयोग करे का अधिकार नहीं। अगर हम स्टाफ डैम बनाते महानदी में, हमार सरकार ला ये मन प्रयास करे थे रोके के, और रमन सिंह ओकरे बात ला माना था। अरे हमार नदी हमार प्रदेश ले गुजर के जाते वो पानी में 75% अधिकार हमारे। आज हीराकुंड डैम के नाम आप सुने हो, पूरा ये महानदी के पानी में जाके स्टाफ डैम भरते हीराकुंड, और पूरा उड़ीसा राज्य वो महानदी के बदौलत पूरा होकर किसान मन जिंदा है। लेकिन हमारा ये नहीं कहा था बोला पानी मत दे, लेकिन पानी में पहली अधिकार छत्तीसगढ़ के जनता के है, ओखर बाद कोनो दूसर के। आज यही बात अगर कोनो दूसर प्रदेश में होती, अगर उड़ीसा ले 75% महानदी गुजरती और 25% छत्तीसगढ़ में रहती, आप ले एक बूंद पानी नहीं। लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीस समाज के भोला भाला किसान साथी मन, युवा साथी मन, हमन बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, भगवान करे हम शांत ही रहा। लेकिन अगर यही हाल रही तो हम अल्लाह भी उग्र आंदोलन करे कोई ताकत नहीं रोक सकत, कब तक हम